नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने विद्यार्थियों से किया संवाद, उज्ज्वल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने स्कूल चले हम अभियान का किया शुभारम्भ। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन स्थित सीएम राय स्कूल पाटनदेव में स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम का कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद कर अपने स्कूल के दिनों के अनुभव साझा किए तथा उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने गत परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से उन्नति और विकास के द्वार खुलते हैं। बच्चे अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि सीएम राय स्कूल खोले जा रहे हैं जिनमें बच्चों को आधुनिक और उन्नत तकनीक से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इनके अतिरिक्त पीएम श्री स्कूल भी खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मामा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन और पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। दो जोड़ी गणवेश देने के साथ ही पांचवीं और आठवीं पास कर छठवीं और नौवीं कक्षा में निर्धारित दूरी के शासकीय स्कूल में प्रवेश पर बेटा बेटियों को निःशुल्क साइकिल की सुविधा प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने विद्यार्थियों से कहा कि कक्षा बारहवीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर लैपटॉप के लिए राशि दी जा रही है। यही नहीं, अपने विद्यालय में कक्षा बारहवीं में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करने पर ही स्कूटी की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सब सुविधाएं देने का उद्देश्य विद्यार्थियों का जीवन संवारना है। किसी ग्राम, कस्बे और नगर में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, साथ ही अपने आस पड़ोस में यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसे भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीना, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। चलो अभियान का शुभारंभ आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शाजापुर जिले से शुभारंभ करेंगे और पहला सीएम राय स्कूल बनकर तैयार हो गया है, उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। बच्चे बीच बीच में जो ड्रॉप आउट होते हैं वो ना हो और बच्चे स्कूल आए। स्कूल चलो अभियान में हम लोग सभी बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, वो स्कूल में आए और शिक्षकों को भी, पेरेंट्स को भी। और ये अभियान की आज शुरुआत की गई है और 19 तारीख तक ये चले। रायसेन में भी बड़ी सौगात मिली है सीएम राइज स्कूलों की। सीएम राइज स्कूल आप देख रहे हैं कि यहाँ 38 करोड़ 38 लाख का सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार हो गया है। सांची में भी सीएम राइज स्कूल बन रहा है और वहाँ बच्चों के एडमिशन की विदिशा से दूर दूर से लोग, इतनी संख्या बढ़ रही है क्योंकि ये सुसज्जित स्कूल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज जो शिक्षा का जिस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये सीएम राइज स्कूल के माध्यम से बच्चों को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी। और पूरे मध्य प्रदेश में ये सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। 15 किलोमीटर की दूरी से जो बच्चे हैं उनको लाने ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। अच्छे भवन बनकर तैयार होंगे, सारी जो सुविधाएं बच्चों को होने चाहिए, खेलने की, म्यूजिक की, सभी शिक्षक उसमें अच्छे रहें जिससे कि शिक्षा में हमारा मध्य प्रदेश देश में आगे बढ़े, नंबर 1 पर बने और भारत का भविष्य भी हमारे बच्चे